पूरे लाइन में लिखो, है ना, ये पूरे लाइन में लिखो। देखो तुम लोग का पढ़ाई हो रहा, पूरा लिख लिख करके दिखाओ हमको, है ना। क्या आपने कभी किसी शख्स को बंदूक लेकर बच्चों को पढ़ाते देखा है? सुनने में यह थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन एक ऐसा ही वीडियो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से सामने आया है। देखो तुम लोग का पढ़ाई हो रहा है ना। हाँ, पहले पहले लिखो, पूरा लिख लिख करके दिखाओ हमको, है ना। जहाँ एक शख्स बंदूक के साथ बच्चों को क ख ग घ पढ़ाते हुए नजर आ रहा है, सोशल मीडिया में यह वीडियो वायरल है। हालांकि शिक्षक बनकर जो शख्स बच्चों को पढ़ा रहा है वह एक दुकानदार है जिसके पास में ही पान की दुकान है। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर जिले के मिठनपुर इलाका है, जहां यह शख्स बंदूक के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए सोशल मीडिया में एक वीडियो खुद ही अपलोड किया, जो कि अब वायरल हो चुका है। इसमें आरोपी शख्स बच्चों को पढ़ाई के लिए कह रहा है। हालांकि हाथ में बंदूक रखने के बावजूद भी यह शख्स बच्चों को डरा नहीं रहा है, बल्कि बंदूक के दम पर उन्हें पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। दिखाओ तुम क्या लिखा है, वो बेरिया से मिटा रहा है क ख ग घ ग घ, इसको पैसा नहीं मिलेगा, इसको देख लीजिए, इसको पैसा नहीं मिलेगा। बच्चों को यह भी कह रहा है कि वो बच्चों को सही पढ़ाई नहीं करने पर पैसे नहीं देगा, जिस पर बच्चे हंस भी रहे हैं। पूरे लाइन में लिखो, है ना, ये पूरे लाइन में लिखो। देखो तुम लोग का पढ़ाई हो रहा है ना। हाँ, पहले पहले लिखो, पूरा लिख लिख करके दिखाओ हमको, है ना। सब बच्चा लोग जो बैठेगा सबको पैसा मिलेगा। हाँ, सब पढ़ो, पढ़ के दिखाओ, है ना। हाँ, चलो पढ़ो। ऐ तुम रखो, फिर उसको, वो कहाँ गया, दिखाओ तुम क्या लिखा है, वो बेरिया से मिटा रहा है क ख ग घ ग घ, इसको पैसा नहीं मिलेगा, इसको देख लीजिए, इसको पैसा नहीं मिलेगा। इसको पैसा नहीं मिलेगा। कौन माल, क्या नाम हुआ गांव का? सत्यम कुमार। अरे गांव का नाम क्या हुआ? जंगली माई स्थान मिठनपुरा चौड़ का है। जंगली माई स्थान मिठनपुरा चौड़ी के बच्चे लोग हैं, उसको पढ़ाने आए। इधर वीडियो के वायरल होते ही पुलिस विभाग एक्शन में आ गई और मामले की जांच में जुट गई है। मामले के संबंध में नगर डीएसपी राम नरेश पासवान ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद जांच की जा रही है। नगर डीएसपी ने कहा कि मिठनपुरा थाना क्षेत्र को पूरे प्रकरण की जांच के लिए बोल दिया गया है, जल्द ही वीडियो की सत्यता की जांच की पुष्टि होने पर दोषी व्यक्ति पर उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्चों को बंदूक की नोक पर पढ़ाए जाने की बात आ रही है, ये पुलिस के संज्ञान में बात आई है, आज के अखबार में आई है बात। वीडियो हम लोग को उपलब्ध नहीं है, लेकिन उपलब्ध होते ही इसका जाँच का आदेश दे दिया गया है। SHO को जांच करेंगे, जांच उपरांत जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके अनुसार मेरी समझ कार्रवाई की। तो कोई पान दुकानदार बताया जा रहा है, जो जांच कर लेते हैं कौन आदमी है नहीं।